Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Crypto Marg YouTube channel. क्रिप्टो का रास्ता. विनर्स, आज के इस वीडियो में काफी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है और आने वाले बिटकॉइन हॉल्विंग तक इन प्रोजेक्ट्स में क्या इंपैक्ट आ सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं. ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हम लोग अक्टूबर के मंथ में हैं और अभी तक अगर मैं पिछले 12 साल का डेटा पिक करता हूं, स्पेशली अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस या फिर चार्ट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर 12 महीने में अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट माना जाता है. हालांकि बिटकॉइन फादर ऑफ क्रिप्टो के अंदर अक्टूबर में स्टार्टिंग पहले दिन से ही एक मूवमेंट देखने का मौका मिला, लेकिन रिसेंटली जब बिटकॉइन ने 28,000 का स्लैब क्रॉस किया, लेवल ब्रेक किया, देन बिटकॉइन एक बार फिर से डाउन आया. एग्जैक्टली ऐसी हलचल मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर को ही बता चुका हूं कि अभी 17 अक्टूबर तक अकॉर्डिंग टू चार्ट एनालिसिस 17th ऑफ अक्टूबर तक यह हलचल रहेगी. लेकिन जो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल से हम लोग कहीं ना कहीं पर एक बुलरन एक्सपेक्ट की बात कर रहे हैं या बुलरन की बात कर रहे हैं वो है दोस्तों 31,500 का लेवल. और बिटकॉइन कहीं ना कहीं पर उम्मीद है कि वो इस साल के एंड तक 31,500 का स्लैब डेफिनेटली जो लेवल है क्रॉस करेगा. इट मींस दिसंबर 2023 तक 31,500 का बिटकॉइन मेरे हिसाब से मिनिमम होना चाहिए. अब एग्जैक्टली अगर हम लोग चार्ट एनालिसिस के साथ न्यूज की तरफ बात करें, ऑलरेडी आप जानते हैं नेगेटिव न्यूज मार्केट में है, इवन वॉर की न्यूज भी मार्केट में है, तो कई बार यह भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि क्या इजराइल वॉर से बिटकॉइन के प्राइस पर तो इंपैक्ट नहीं आएगा, तो यह भी एक पॉइंट बन रहा है. दूसरा जो पॉइंट है 2023 के एंड तक बिटकॉइन को $35,000 का एक्सपेक्ट किया गया था स्टार्टिंग ऑफ 2023 से. हालांकि 28,000 का रैंक जो है वो बिटकॉइन लेवल जो है वो ब्रेक कर चुका है और काफी बार कर चुका है. अक्टूबर में आप लोगों को 2 बार देखने का मौका मिला है. इट मींस कि जैसे जैसे 2024 में बिटकॉइन हॉल्विंग होनी है, 25 अप्रैल 2024 की डेट है, यानी कि अप्रैल के लास्ट तक हम लोग जैसा चार्ट ट्रेंड देख रहे हैं उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग बिटकॉइन के अंदर इस टाइम पर अभी मिनिमम प्राइस पर है, लेकिन आने वाले 5-7 महीने में बिटकॉइन एक बार 35,000 का लेवल भी ब्रेकआउट करेगा. हो सकता है हॉल्विंग से थोड़े टाइम पहले बिटकॉइन के अंदर डंप आए, डेफिनेटली चार्ट के अकॉर्डिंग भी डंप है, और मार्केट में भी जब आपको बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलती है तो उसका नेगेटिव असर मार्केट पर आता है, प्राइस पर आता है. तो हमें हॉल्विंग से थोड़ा टाइम पहले बिटकॉइन पे डंप दिखेगा, लेकिन वो डंप 28,000 या 31,000 का नहीं होगा, इससे ज्यादा होने के चांस है. इससे एक चीज बिल्कुल कंफर्म हो रही है कि आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट आज की डेट में सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ काम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर अपने यूज केसेस पर, पोटेंशियल्स पर और लिक्विडिटी पर काम कर रहे हैं, स्पेशली लिक्विडिटी पर जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छा पंप आने की उम्मीद बन जाती है. अब चलिए इसी लिस्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो रेगुलर हम लोग क्रिप्टो मार्ग पर सुनते भी रहते हैं. सबसे पहला प्रोजेक्ट जो इस टाइम पर ग्रोथ के साथ काम कर रहा है और आज अगर मैं क्रिप्टो का ग्लोबल डेटा निकालता हूं तो उस प्रोजेक्ट को 31st सेफेस्ट प्रोजेक्ट का रैंक भी मिल चुका है. यस माय फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं फ्लोकी इनू की. फ्लोकी इनू मीम क्रिप्टो करेंसी कल्चर में 3rd लार्जेस्ट प्रोजेक्ट आफ्टर डोज एंड शिब, लेकिन आज ग्लोबली अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूं तो जो मोस्ट सेफेस्ट प्रोजेक्ट की लिस्ट बनी है उसमें 31st रैंक पर, 31 रैंक पर आज फ्लोकी इनू द सेफेस्ट प्रोजेक्ट माना गया है, क्योंकि फ्लोकी इनू आज एक मीम क्रिप्टो करेंसी कल्चर नहीं, एक मूवमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट बन चुका है जिसकी सप्लाई भी अब अप्रॉक्स 10 ट्रिलियन से कम आ चुकी है. और फ्लोकी इनू रेडी है नेक्स्ट बुल रन के लिए और प्रॉपर अपने गेमिंग इकोसिस्टम और अपने डिफरेंट यूज केसेस से हम लोगों को भी प्राइसिंग के अंदर एक काफी अच्छा मोमेंटम देने के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो उनका रोड मैप है उस रोड मैप के अकॉर्डिंग कंप्लीटली रेडी हो रहा है. नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेबी डोज कॉइन की. बेबी डोज कॉइन पे हम लोगों को काफी टाइम से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, लेकिन प्रेजेंटली जो अपडेट है मीम क्रिप्टो करेंसी कल्चर में 4th पोटेंशियल विद द ट्विटर फॉलोअर विद द ओवरऑल होल्डर जो इस टाइम पर 17 लाख से ज्यादा हो चुके हैं. मूवमेंट में नई ब्लॉकचेन इथेरियम को ऐड किया गया है, रेगुलर बर्निंग के अपडेट भी बर्न पोर्टल पर आ रहे हैं. कहीं ना कहीं पर ट्रेडिंग वॉल्यूम का इंपैक्ट नेक्स्ट बुल रन तक बाइनेंस वर्ल्ड की लीडिंग एक्सचेंज की लिस्टिंग तक पहुंचा सकता है. यस माय फ्रेंड्स, ऑलरेडी X.com पर बेबी डोज की बाइनेंस लिस्टिंग की बातों के रूमर्स आप लोगों ने बहुत बार सुने, लेकिन कहीं पर भी ऐसा लिस्टिंग होने की कंफर्म न्यूज नहीं है. लेकिन नेक्स्ट बुल रन तक हम लोग मान सकते हैं या नेक्स्ट बिटकॉइन की हॉल्विंग तक हम मान सकते हैं कि बेबी डोज कॉइन को वर्ल्ड की लीडिंग एक्सचेंज बाइनेंस में लिस्टिंग मिलने का चांस काफी हद तक बन जाता है. सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो है दोस्तों उनका कम्युनिटी, और दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है वो है यूज केसेस और पोटेंशियल. ऑलरेडी बेबी डोज कॉइन कहीं ना कहीं पर नंबर ऑफ यूज केसेस काफी सारे डेवलप कर चुका है, लेकिन मैंने आपको बोला आज का जो टाइम है वो प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करता है। लिक्विडिटी की टर्म में कहीं ना कहीं पर बेबी डोज कॉइन अभी बहुत कम है। अगर बेबी डोज कॉइन अपनी लिक्विडिटी पर काम करे, रेगुलर बर्निंग करके सप्लाई को रिड्यूस करे और लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग करे, तो डेफिनेटली बेबी डोज कॉइन में एक काफी अच्छा इंपैक्ट हम लोगों को नेक्स्ट बुल रन तक, स्पेशली बाइनेंस की लिस्टिंग की न्यूज से, कंफर्म न्यूज से काफी अच्छा इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा, जिसके लगभग चांस बने हुए हैं, बिकॉज बेबी डोज कॉइन आज वर्ल्ड की सेफेस्ट और स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट बन चुका है जिसका नाम है इथेरियम। तीसरे प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, ऑलरेडी आज 8 अक्टूबर 2023 की डेट है। आज जेन क्रिप्टो का फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी जो है वो कंप्लीट हुई है और आज से लगभग नेक्स्ट 24 आवर बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी जेन क्रिप्टो अपनी 50% की सप्लाई को कंप्लीटली मिंट कर लेगा। 49.85% हो चुकी है। अब आता है जेन क्रिप्टो के अंदर जो नया मूवमेंट आने का चांस है। ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर जेन के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट है, लेकिन बिकॉज ऑफ मिंटिंग जेन के प्राइस पर इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा। बट प्लीज 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 हाईली रिकमेंडेड, डोंट सेल यूर जेन प्रोजेक्ट, डोंट सेल यूर जेन। DYOR अपनी रिसर्च खुद करनी है, लेकिन जो प्रॉपर पोटेंशियल, टर्म्स, लिक्विडिटी, स्टेकिंग, पूलिंग, मिंटिंग, माइनिंग और बहुत सारे जो और क्रिप्टो के अंदर बेस्ट टू बेस्ट यूज केस बनते हैं, स्पेशली फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रिप्टो, नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, ये जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, ब्लॉकचेन, वॉलेट, डेफी, सपोर्ट, ये सारी चीजों को मिलाकर अगर आप देखें तो जेन क्रिप्टो इस टाइम पर मोस्ट फेवरेबल चॉइस बना हुआ है। और मेरे हिसाब से हम लोग जितने डंप में जेन को देख रहे हैं, बाइंग करना स्मॉल स्मॉल, चाहे 10-10 USDT का आप बाय करके अपने वॉलेट में रखो, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट रहने वाली है आने वाले लगभग 1 साल के अंदर। ऑलरेडी जेन अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका है और अब तो जेन बेस पर भी आ चुका है, ऑप्टिमिज्म पर भी आ चुका है। इवन व्हाट वी आर वेटिंग फॉर X1 मेननेट, फास्टनेट आ चुका है, टेस्टनेट आ चुका है, मेननेट की है और मेननेट जो है वो अप्रैल या मई 2024 की अनाउंसमेंट है। यानी कि आने वाले 6-7 महीने में जेन की बर्निंग पर भी एक इम्पैक्ट आएगा। DBXN जो जेन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो लगातार जेन को बर्न भी कर रहा है। मिल्टिंग ऑलरेडी 50% हो चुकी है और उसमें से बहुत सारे जो है जेन ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 24 ट्रिलियन के आसपास जेन को क्लेम भी किया जा चुका है और यही वो जेन है जो ओवरऑल मिंटिंग से इंपैक्ट आया। बाकी जो स्पोर्ट के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है, जो इतने लोगों ने स्पोर्ट में बाय करके होल्डर बने हुए हैं, ओवरऑल अगर मैं जेन के होल्डर की बात करूं, आज की डेट में 1 लाख से ज्यादा होल्डर हो चुके हैं। इट मींस कहीं ना कहीं पर कम्युनिटी की बहुत बड़ी सपोर्ट है। विदाउट एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग एफर्ट, जस्ट ब्लॉकचेन पर फोकस है, प्रूफ ऑफ पोटेंशियल पर फोकस है, ट्रांसपेरेंसी पर फोकस है और ये प्रोजेक्ट डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है विद द सपोर्ट ऑफ मल्टीपल ब्लॉकचेन। सो प्लीज हाईली रिकमेंडेड, डोंट लूज योर जेन। इसके बाद बात करते हैं शिबेरियम नेटवर्क के बोन प्रोजेक्ट के बारे में। आपको लग रहा होगा बोन रेगुलर डाउन आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर आप बैकएंड की टर्म में, ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन की टर्म में, लेयर 2 सॉल्यूशन की बात करो तो बोन की सबसे बड़ी पावर है गैस टोकन ऑफ शिबेरियम नेटवर्क। इस टाइम पर टॉप 5 लेयर 2 सॉल्यूशन में अगर कोई प्रोजेक्ट स्ट्रांगली डेवलप किया जा रहा है बैकएंड में तो वो बोन है। ऑलरेडी बोन की जो मिंटिंग की न्यूज है वो कंफर्म हो चुकी है, यानी कि बोन कंप्लीटली मिंट हो चुका है और अब हम लोग वेट कर रहे हैं शिबेरियम नेटवर्क पर बोन के कहीं ना कहीं पर बर्न होने का बिकॉज ऑफ गैस टोकन। और इसी का पॉजिटिव इंपैक्ट डेफिनेटली शिबा इनू पर आने वाला है। देखिए, शिबा इनू का सिर्फ एक इतना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है कि वो नेक्स्ट बुल रन में अपना एक बार ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, लेकिन बोन एक अपना नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। Just look at the all-time high previously of Bone and yes, stay positive with the Bone potential. नेक्स्ट बात करें L2 सॉल्यूशन में जो टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट इस टाइम पर 2 और निकल कर आ रहे हैं, वो है दोस्तों ऑप्टिमिज्म और ARP। दोनों के अंदर बड़ी मूवमेंट है, यूज केसेस में कोई भी कमी नहीं है और फाइनली लेयर 2 सॉल्यूशन के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर लेके ये प्रोजेक्ट आए हैं, ऑप्टिमिज्म, ARP, नेक्स्ट बुल रन में हम लोग इन दोनों प्रोजेक्ट से भी काफी अच्छा इंपैक्ट समझ सकते हैं। और नोट द लीस्ट, XRP कल्चरल इंपैक्ट आ रहा है, सपोर्टिंग इंपैक्ट आ रहा है। अगर आप लोग CBDC की टर्म में बात करें, मल्टीपल कंट्री की सपोर्ट XRP की आ चुकी है। इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फ्लोकी इनू और XRP के अंदर काफी बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी बनता है। इसके बाद डोज कॉइन को भी प्रॉपर सपोर्ट है, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बुल रन में जितने भी प्रोजेक्ट के मैंने आपको नाम लिए हैं, चाहे वो L2 सॉल्यूशन के हैं, चाहे वो फिर कहीं ना कहीं पर मीम क्रिप्टो करेंसी कल्चर के हैं, चाहे ऑप्टिमिज्म है, ARB है, बेबी डोज कॉइन है, शिबा इनू है, बोन है, डोज कॉइन है, XRP है, पॉलीगॉन मैटिक है, इवन बिटकॉइन है, इवन सोलाना, ये वो प्रोजेक्ट है दोस्तों जो ऑलरेडी सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ लगातार काम कर रहे हैं। व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, वी आर वेटिंग के कहीं ना कहीं पर बिटकॉइन अपना एक लेवल को ब्रेक करें और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोगों को पूरी मार्केट में देखने को मिले, बिकॉज द ओवरऑल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ट पार्ट, द ओवरऑल मार्केट इज प्रिडिक्टिंग और डिपेंडिंग ऑन बिटकॉइन चार्ट एनालिसिस। अब ब्रेक लेवल है 31,500 का, सभी प्रोजेक्ट के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, मोस्टली आप लोगों ने यही देखा है। इट मींस बिटकॉइन के इंप्रूविंग से सभी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिलती है और ऐसा ही एक्सपेक्टेशन मेरी आने वाले 5 से 6 महीने में। बट प्लीज कीप इट इन माइंड, यू आर इन द हाईली वॉलेटाइल मार्केट, सो इफ यू वांट टू बाय, इफ यू वांट टू स्टार्ट, इफ यू वांट टू ट्रेड इन क्रिप्टो, प्लीज डू योर ऑन रिसर्च फर्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब क्रिप्टो मार्ग YouTube चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।